तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। और तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म भरना है, कैसे आपका एंटी रैगिंग कंप्लीट होगा, कैसे आपको उसको जमा करना है, क्या चीज़ कॉलेज में कैसे कैसे क्या होगा, सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना है, कब कॉलेज में जमा होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं कि ऐसे एंटी रैगिंग कैसे अप्लाई होगा और कौन से चीज़ कॉलेज को जमा करना है, ठीक है? तो एंटी रैगिंग होता क्या है कि सबसे पहले आपको एंटी रैगिंग अप्लाई करना है साइट से, ठीक है? एंटी रैगिंग का साइट से अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपको ना कॉलेज के कुछ डिटेल आएंगे डालने रहेंगे, जैसे प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर हुआ, वाइस प्रिंसिपल का फ़ोन नंबर हुआ, कॉलेज के सारे डिटेल डालने पड़ेंगे, अपने सारे डिटेल डालने पड़ेंगे। फिर आपको जीमेल पे आपके मैसेज आएंगे, एक क्या बोलते हैं पीडीएफ की तरह, वो पीडीएफ निकाल के आपको कॉलेज में सिंपली से जमा कर देना है, बस वही करना है, ठीक है? तो कैसे करना है, चलिए हम लोग देख लेते हैं एंटी रैगिंग कैसे और कौन से साइट से अप्लाई करना है, ठीक है? सबसे पहले गूगल खोल लेना है और यहाँ पर क्लिक करना है एंटी रैगिंग, ठीक है? जैसे ही आप एंटी रैगिंग क्लिक करोगे, मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है? एंटी रैगिंग, ठीक है? एंटी रैगिंग सर्च करोगे कुछ ऐसा करके साइट आपको खुल जाएगा, ठीक है? एंटी रैगिंग का साइट करके खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है? सिंपली से इसके नीचे जाना है हम लोग को, और नीचे जाना ही यहाँ पे स्टॉप वॉलिंग लिखा हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे फिल कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, फिर रजिस्टर कंप्लेंट लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है? अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट ये सब कुछ नहीं करना, आपको फिल अंडरटेकिंग कंप्लीट कर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि एफिलेटेड कॉलेज के लिए अप्लाइड कर रहे हो या यूनिवर्सिटी के लिए, ये दोनों पे से आपको कॉलेज वाला सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली से सारा चीज़ को फॉर्म को फिल कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लग रहा है, स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे आपका नाम लगेंगे, मिडिल पहला नाम, मतलब जैसे आपका नाम हुआ सोनू तो यहाँ पे सोनू, और फिर कुमार है चाहे राज है तो राज लगा देना, फिर सरनेम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर आप लड़का हो या लड़की हो, फिर सिटी, स्टेट, नेशनलिटी मतलब इंडियन हो या बाहर के हो, फिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स के डिटेल देने हैं, ठीक है? पेरेंट्स डिटेल आप यहाँ पे दे दो, ठीक है? पेरेंट्स डिटेल जैसे ही दोगे उसके बाद आपको कॉलेज का डिटेल देना है, ठीक है? कॉलेज का डिटेल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, स्टेट इन विच कॉलेज इज बेस्ड, ठीक है? मतलब कौन से स्टेट में है, ठीक है? कॉलेज नेम पे डालना है, फिर यहाँ पे डायरेक्टर के नाम डालने हैं तो आप प्रिंसिपल के नाम डालना अपने कॉलेज का, ठीक है? कॉलेज का फ़ोन नंबर डालना है, कॉलेज का लैंडलाइन डालना है, फिर ठीक है, फिर यूजी के लिए कर रहे हो या पीजी के लिए कर रहे हो ये डालना है, नेम ऑफ कोर्स डालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास डालना है, सेलेक्ट ईयर ऑफ, मतलब सारे चीज़ करके आपको सिंपली से यहाँ पे करके यहाँ सबमिट कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, आपको चार पांच चीज़ और सेलेक्ट करने के लिए आएंगे, वो आपको निश्चिंत से सेलेक्ट कर लेना है। और बस उसके बाद आपके 10 दिन या दो दिन के अंदर ही आपके ईमेल पे मैसेज आ जाएंगे, एक पीडीएफ फॉर्म में आएगा, और पीडीएफ को आपको सिंपली से प्रिंट करवाना है और कॉलेज में जमा कर देना है। ये आपका हो गया एंटी रैगिंग। अब मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ये भी बहुत सारे लोगों का माइंड में है, ठीक है? तो मेडिकल सर्टिफिकेट अभी देखो, जितने भी लोग UGSC के तहत एडमिशन लिए होंगे चाहे BCEC के तहत अभी एडमिशन लिए हैं, उनको कॉलेज वाले एक मेडिकल फॉर्म देंगे, ठीक है? एक मेडिकल फॉर्म देंगे, उसको सिंपली से लेकर आपको जाना है सदर अस्पताल में, अपने मतलब आसपास के गवर्नमेंट अस्पताल में, और वहां जाके आपको थोड़े से जांच करवाना पड़ेगा, जैसे ब्लड जांच हुआ, हाइट कितने हैं आपके, और फिर आइज़ कितने हैं, अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है? हाइट्स हुआ, वेट हुआ, ये सारे चीज़ आपको वेट करके मतलब नाप करके सही से और उस फॉर्म में फिल करेगा, और फिर आपके ब्लड जांच करेंगे कि कौन से ग्रुप का आपका ब्लड है। सारा चीज़ जांच करने के बाद उस रिपोर्ट में डॉक्टर लास्ट में साइन करेंगे, जो आपको कॉलेज से फॉर्म मिला है उस पर डॉक्टर साइन करेंगे, तब जाके आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा, ठीक है? मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट कर लेना है और एंटी रैगिंग दोनों कंप्लीट कर लेना है, तो आप जैसे ही क्लास चालू होगा उस समय आप जाके जमा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? अगर अभी आपने नहीं किया तो जल्दी कर लो, मैंने बता दिया कि कैसे करना है। देखो इस साइड से करना है, इस पर सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको कॉलेज फॉर्म देगी, वो फॉर्म को ले जाना है सदर अस्पताल में, सिंपली से कुछ जाँचें करेगी डॉक्टर, जाँच करवा लेना है, और उसके बाद आपका रिपोर्ट तैयार होकर बन जाएगा, ठीक है? बस इतनी सी मेहनत है जो आपको करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है? और बाकी सारे बच्चों को शेयर कर लो जिनको ये वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।